हेलो एवरीवन, आज अपने पास में फिर से है Vivo T1 4G स्मार्टफोन। इस वीडियो में मैं इसके कमाल दमाल हिडन फीचर्स बताने वाला हूं। अगर इसको खरीद लिया या फिर खरीदने वाले हो तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से देखना, काफी यूजफुल होने वाली है। तो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13.13 का सपोर्ट मिला या नहीं, अपडेट आया या नहीं। तो आपको बता दूं, ये अभी एंड्रॉइड 12 के ऊपर बेस्ड है। तो इसके अंदर आपको सिस्टम एंड सेटिंग के अंदर लेकर चलता हूँ। तो आपको यहाँ पर सिस्टम एंड अपडेट के अंदर आना है और यहाँ पर देखने को मिलता है फनटच ओएस 13 के ऊपर बेस्ड कर सकते हो इस स्मार्टफोन में। इसके लिए सिंपली आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिल चुका है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें मिलता है गूगल डायलर। इसका नुकसान ये है, जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो अगले को, जब भी हम कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं तो अगले को पता चल जाता है कि कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट, यानी हमने कॉल रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया है। तो अगले को पता ना चले कि अपन कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको गूगल डायलर के अंदर जाकर *#55566888*#* ये कोड लगाना है और आपको इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद में आपको डायरेक्टली बैक आ जाना है। बैक आने के बाद में इस तरीके से ड्रॉवर करना है। अब आपके सामने एक तो गूगल डायलर देखने को मिलेगा और नीचे की साइड में यहाँ पर देखने को मिलता है फोन, जो ये डिफॉल्ट ऐप है। तो इसको यहाँ से क्लिक करके और आप होम स्क्रीन पे इसकी जगह पर लगा सकते हो, या फिर इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो और इसको रिमूव कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा और इसको यहाँ पर ऑन कर देना है। अब आप देखोगे, जब भी आप इसी से किसी को भी कॉल करते हो तो दोस्तों अगले को कॉल रिकॉर्डिंग का पता नहीं चलेगा। जब अपन ऑन करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्ट, फिर यहाँ पर जाकर आपको सेट एज डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर फोन से इसके ऊपर क्लिक करके सेट एज डिफॉल्ट कर देना है। अब आप बिल्कुल भी बेझिझक कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे भाई। तो दोस्तों, अपने पास में 8GB रैम वाला वेरिएंट है। तो सेटिंग में जाना है और आपको यहाँ पर मजेदार फीचर्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर नीचे की साइड में आना है और यहाँ पर देखने को मिलता है डायनेमिक इफेक्ट। तो इसके अंदर कौन कौन से मोड्स मिलते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। सबसे पहले मिलती है एम्बिट लाइट इफेक्ट, इसको ऑन कर देना है। दोस्तों, ये वाला फीचर्स है ओनली 8GB रैम या फिर 6GB रैम वाला वेरिएंट है उसके अंदर ही है, 4GB रैम वाले वेरिएंट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि मैं बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर इनकमिंग कॉल के अंदर लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है। जब भी आप कोई किसी का कॉल आता है तो यहाँ पर ये लाइट आप चूज करके अप्लाई करोगे तो फिर किसी का भी कॉल आएगा तो यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले पर लाइट देखने को मिलेगी। तो काफी ज्यादा मजेदार लाइटिंग देखने को मिल जाती है। जो भी आपको यहाँ पर अच्छी लगे उसको यहाँ से अप्लाई कर देना है। और इसके अंदर भी बहुत सारी कस्टमाइजेशन मिलती है, जैसे यहाँ पर कोई अलग अलग कलर्स को चुन सकते हो, ट्रांसपेरेंसी दे सकते हो, इसकी साइज को भी बड़ा कर सकते हो या फिर छोटा कर सकते हो। ऐसा आप यहां से कस्टमाइज करके अप्लाई कर देना है। अब जब भी आपको किसी का कॉल आएगा तो डिस्प्ले के ऊपर ऐसी लाइट आएगी और स्टार्ट, यानी कि इसके अंदर टाइम को भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो कि इतनी बजे से लेकर इतनी बजे तक ये लाइट ऑन होनी चाहिए जब भी किसी का इसके बीच में कॉल आता है। यहाँ पर सेम ही नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर भी ये सारे ही इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। जब भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक का, किसी का भी नोटिफिकेशन आएगा कोई भी एप से, तो ये लाइट ब्लिंक करेगी, काफी अच्छी लगती है। अनलॉक एंड एंटरिंग होम स्क्रीन एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पर हमने स्मार्टफोन को लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद में सिंपली अनलॉक करते हैं तो एप्स बिल्कुल ही ठहरे हुए दिखाई देते हैं। तो आप इनको भी कस्टमाइजेशन कर सकते हो। इसके लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे कि देखने को मिलता है, जब आप मोबाइल को अनलॉक करोगे तो इस तरीके से नीचे की साइड से लेकर ऊपर ऐप निकल कर आएंगे। यहाँ पर और भी कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाती है इस तरीके से। तो भाई, ये छोटी छोटी चीजें ही अपने स्मार्टफोन को काफी स्मार्ट बना देती है। यहाँ पर नीचे आने के बाद में मिलता है फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये है फिंगरप्रिंट एनिमेशन। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट मिलता है। जैसे कि अब यहाँ पर मैं टच करूंगा तो ये अनलॉक हो जाएगा, ये फिंगरप्रिंट एनिमेशन है। तो आप इसकी साइज को है और भी स्टाइल से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरे को ये वाला काफी अच्छा लगा तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और बैक आता हूँ। दोस्तों, बैक आने के बाद में यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से एनिमेशन देखने को मिलता है। तो इसमें भी आप अच्छी तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उसको अप्लाई कर देना है और बैक आना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि दोस्तों फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस तरीके का हो चुका है और इसमें एनिमेशन डाला, वो हमें देखते हैं कैसा वर्क करता है। तो इसको जैसे कि देख सकते हो भाई, अनलॉक करने में काफी मजा आया इस एनिमेशन के साथ में। तो आपको जो अच्छा लगे उसको यहाँ से चुनकर लगा सकते हो। नीचे आने पर मिलता है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस स्मार्टफोन में आप फेस लॉक लगाते हो तो लॉक स्क्रीन पे ऐसा लॉक देखने को मिलता है। तो इसकी जगह पर भी आप यहाँ पर स्माइल ये सब बना सकते हो। तो भाई, स्माइल जब अनलॉक करोगे तो आपके सामने ऐसी स्माइल आएगी तो मूड भी फ्रेश बना रहेगा।
दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे आने पर मिलता है चार्जिंग एनिमेशन। दोस्तों जब आप इसके अंदर चार्ज लगाते हो, एनिमेशन यूएसबी लगाते हो, तो ऐसा एनिमेशन देखने को मिलता है। तो इसको भी आप यहाँ पर जाकर अच्छे अच्छे कस्टमाइजेशन में जाकर चुन सकते हो। तो ये भी काफी कमाल का है, स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने इस स्मार्टफोन को लॉक करता हूँ तो सिंपली ये डायरेक्ट स्क्रीन ऑफ हो जाती है। तो यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिलते हैं इतने कमाल के। इस तरीके से आप लगा सकते हो। जैसे मैंने इसको चुनकर अप्लाई कर दिया, अब स्क्रीन को लॉक करूंगा तो कुछ इस अंदाज में लॉक होगी, जैसे कि इधर से लाइट ऑफ होती है और ऑन करूंगा तो इस तरीके से ऑन होगी। तो ये भी काफी कमाल का फीचर्स है भाई साहब। तो फ्रेंड्स, इस स्मार्टफोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है। आप चाहते हो कि थोड़ी हद तक इसकी स्पीकर की जो आवाज है उसको और ज्यादा लाउड किया जाए, तो सिंपली आपको जाना है सेटिंग में और यहाँ पर देखने को मिलता है साउंड। इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पर नीचे देखने को मिलता है एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है। तो यहाँ पर अभी आपके अंडर 30 ईयर ओल्ड के ऊपर हो रखा होगा, तो यहाँ पर आपको कर देना है अबाउट 16 ईयर ओल्ड। तो इससे क्या होगा, जो मोबाइल का है जो एल्गोरिथम है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि दोस्तों जैसे एक मोबाइल को जो यूज करने वाला है वो 60 ईयर ओल्ड है, तो यहाँ पर साउंड की क्वालिटी है थोड़ी लाउड हो जाएगी। तो ये भी काफी कमाल की ट्रिक्स है, एक बार करके जरूर देखना दोस्तों। इसके अलावा बे करना है आपको यहाँ पर, और जैसे कि हमने कुछ भी टच कर रहे हैं तो कोई साउंड देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर टच साउंड देखने को मिलता है इसको ऑन कर देना है और टच वाइब्रेशन इसको ऑन कर देना है। अब आप किसी को भी जैसे बेक हो गए तो यहाँ पर आपको टच साउंड देखने को मिलेगा ऐसा, तो कुछ इस अंदाज में ये इस तरीके से वाइब्रेट भी होगा, तो इस मोबाइल का एक्सपीरियंस को और बढ़ावा देता है। कभी कभार क्या होता है कि अपन से फ्रेंड लेता है मोबाइल कि भाई मुझे कुछ देर के लिए कॉलिंग करनी है, तो आप उसको डायलर ऑन करके दे देते हो, फिर वो कॉलिंग होने के बाद में बेक आ जाता है और आपके मोबाइल में कोई दूसरा डेटा वगैरह ना देख ले, आपको डर बना रहता है। तो इसके लिए आप जो भी ऐप उसको देना चाहते हो उस ऐप को लॉक करके दे सकते हो। इसके लिए आपको जाना है सिंपली सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखने को मिलती है सिक्योरिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे देखने को मिलती है ऐप पिनिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है और ओके कर देना है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, नीचे एक और ऑप्शन मिलता है, इसको भी यहाँ पर ऑन कर देना, जो अपने आप हो जाएगा अगर आपके स्मार्टफोन में लॉक लगा हुआ है स्क्रीन लॉक। अगर स्क्रीन लॉक नहीं लगा हुआ है तो लगा दीजिएगा और यहाँ से ऑन कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे डायलर को ऑन कर लॉक करना है या फिर यूट्यूब घर में बच्चे वगैरह लेते हैं उनके लिए, तो किसी भी ऐप को लॉक कर दे सकते हो आप। तो इसके लिए आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है और बेक आ जाना है। अब यहाँ पर आपको 3 बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से कोई भी ऐप को लॉक कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको इसके आइकॉन के ऊपर यहाँ पर प्रेस करके रखना है, प्रेस करके मतलब होल्ड एंड प्रेस करके रखोगे तो पिन मिल जाएगा, तो पिन करना है। अब देखोगे कि यहाँ पर गो हिट करने के बाद में ये ऐप है जो पिन हो चुका है। अब आप बेक आने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी बेक नहीं आ पाओगे। इसके लिए अगर आप बेक आना चाहते हो तो सिंपली आपको 3 बटन एंड बेक बटन के ऊपर क्लिक करना है। बेक बटन के ऊपर एक साथ में क्लिक करना है तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा। अगर अगला ऐसा करेगा भी तो आपका स्मार्टफोन लॉक हो जाएगा और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि अगले ने बेक आने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल सभी करते हैं, व्हाट्सएप पर या फिर मोबाइल के फोन से या कोई दूसरा ऐप है उससे वीडियो कॉल करते हैं। तो आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पर तो आप वीडियो कॉल करते हो तो वहां पर आपको अच्छे अच्छे फिल्टर देखने को मिल जाता है, जिससे आपका स्किन टोन है, आप गोरे नजर दिखाई देते हो। लेकिन इसके अंदर भी आप है जो गोरे मतलब भाई चिकना चट बनकर वीडियो कॉल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको मजेदार ट्रिक्स बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली जाना है सेटिंग में और यहाँ पर देखने को मिलती है शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखने को मिलेगा फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसको ऑन कर देना है। अब आपके स्मार्टफोन में जो भी ऐप होगा वीडियो कॉल करने के लिए तो वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे और आप उन सभी को जाकर ऑन कर देना है। तो मैंने यहाँ पर कोई इंस्टॉल नहीं कर रखा है, अगर इंस्टॉल रहेगा तो आप उसको भी फोन की तरह इनेबल कर देना। अब उसके अंदर भी आपको वीडियो कॉल में फेस ब्यूटी मिल जाएगी। तो कमाल की ट्रिक्स है ना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भाई। अब मैं आपको बड़े कमाल की ट्रिक बताने वाला हूँ, तो इसको ऑन जरूर कर लेना। जैसे हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो बहुत सारे नोटिफिकेशन आए हुए रहते हैं, तो कभी कभार क्या होता है हम एक साथ में क्लियर ऑल कर देते हैं और सारे नोटिफिकेशन यहाँ से चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि भाई देखना था कोई नोटिफिकेशन काम का था या नहीं। तो ये सब आप अगर इस सेटिंग को ऑन कर दोगे तो 2 दिन बाद में, 4 दिन बाद में कभी भी पता लगा पाओगे। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर मैनेज के ऊपर क्लिक करना है, तो ये सेटिंग जरूर ऑन कर लेना। नोटिफिकेशन हिस्ट्री मिलती है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको यहाँ से ऑन कर देना है।
ऑन करने के बाद में जैसे कि मैं अब आपको बताता हूँ दोस्तों, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ नोटिफिकेशन बार को और क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब मेरे जो भी नोटिफिकेशन आए हुए थे वो यहाँ से हट चुके हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब हिस्ट्री। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि कितनी बजे कौन सा नोटिफिकेशन आया था, कौन से ऐप से आया था, तो सिंपली यहाँ पर पता लगा पाओगे। फ्रेंड्स, इस मोबाइल में काफी मजेदार फीचर्स मिलते हैं। क्या आप चाहते हो कि आप भी इस तरीके से मोबाइल को चेक करो और आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाए? अभी हमने ऑन नहीं किया, अब आप मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ये कमाल की ट्रिक्स है, तो आपको सिंपली इस तरीके से सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद में शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है सिंपली स्मार्ट मोशन के ऊपर। यहाँ पर देखने को मिलेगा सेट टू टर्न द फ्लैश लाइट, इसको ऑन कर देना है और यहाँ पर होम स्क्रीन पे आ जाना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे कि मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और फ्लैश लाइट ऑन हो चुकी है। तो काफी कमाल की ट्रिक्स है ना दोस्तों, इमरजेंसी में फ्लैश लाइट ऑन करना हो या फिर किसी के सामने करते हो तो कितना कमाल बनाती है इस स्मार्टफोन को। एक बार आपको फिर से वहीं पर सेटिंग में जाना है और एंड शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके अंदर मैं काफी मजेदार सेटिंग्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। इसमें यहाँ पर फिर से स्मार्ट मोशन के ऊपर जाना है। इसमें देखने को मिलती है सबसे पहले स्मार्ट ऑन ऑफ, इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इन सब तीनों को ऑन कर देना है। अब इनके तीनों के फायदे क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने तीनों को ऑन कर दिया तो डबल टैप करोगे तो लॉक हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो ऑन हो जाएगा। तो ऐसा आप इस स्मार्टफोन में वहां पर सेटिंग ऑन करके ऐसा कर सकते हो। एक दूसरी मजेदार ट्रिक्स बताता हूँ। जैसे कि आपका स्मार्टफोन कुछ इस तरीके से रखा हुआ है और आपको नोटिफिकेशन देखने या फिर बिना बटन दबाए इसकी लाइट ऑन करनी है, तो जैसे ही आप मोबाइल को कुछ इस तरीके से उठाकर इस तरीके से रिमूव करोगे तो आपके मोबाइल की लाइट ऑन हो जाएगी, डिस्प्ले की लाइट, और फिर ऐसा रखोगे बैक में तो अपने आप ऑफ हो जाएगी। जैसे मैं आपको बिना कोई बटन दबाए हुए दिखाता हूँ एक बार फिर से, तो जैसे कि ये लाइट ऑन हो चुकी है। तो है ना दोस्तों कमाल की ट्रिक्स। एक बार आपको फिर से वहीं पर सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाकर शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है और स्मार्ट मोशन के ऊपर जाना है। जैसे कि यहाँ पर स्मार्ट मोशन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर देखने को मिलता है स्मार्ट वेक, इसके ऊपर भी काफी मजेदार फीचर्स मिलते हैं एक ही सेटिंग में। यहाँ पर सभी को ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद में जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे सभी को हमने इनेबल कर दिया है। यहाँ पर देखने को मिलती है ड्रॉवर ई, तो दोस्तों ये कमाल की ट्रिक्स है। जैसे यहाँ पर ड्रॉवर ई में आप जो भी ऐप ज्यादा यूज करते हो उसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर इमरजेंसी में यूज करने के लिए लो कोई कहेगा तो मैं यहाँ पर जैसे कि सिंपली डायलर को या फिर कोई डायलर को ऑन करता हूँ, तो डायलर को हमने यहाँ पर ड्रॉवर ई के ऊपर क्लिक कर दिया और अब मैं मोबाइल को लॉक करता हूँ। अगर आपके स्मार्टफोन में लॉक लगा है तो पहले लॉक लगाना पड़ेगा भाई सिक्योरिटी के लिए। अब मैं यहाँ पर ई बनाता हूँ, ई ड्रॉवर किया, तो जैसे कि यहाँ पर मुझे लॉक लगाना होगा और मैं डायरेक्टली डायलर के अंदर पहुंच जाऊंगा, मुझे अंदर जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको बैग आना है और नीचे की तरफ स्लाइड करोगे एक उंगली से तो आपके स्मार्टफोन में है दोस्तों जैसे कि कैमरा ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो इस स्मार्टफोन में ड्रॉवर ई के बाद में इस तरीके से हमने स्लाइड किया तो कैमरा ओपन हो गया। और यहाँ पर जैसे कि इस तरीके में काफी मजेदार फीचर्स और भी देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ स्लाइड करोगे तो मोबाइल को अनलॉक रोक पाओगे जल्दी में, अगर आपके स्मार्टफोन में लॉक नहीं लगा हुआ है तो। फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है जैसे कि हम इस तरीके से स्लाइड करते हैं और अपने किसी के सामने मोबाइल को रख रखा है तो यहाँ पर बहुत बार क्या होता है कि न्यूड फोटोज, गलत फोटो भी आती है, गलत न्यूज भी आती है, तो हमें कभी कभार क्या होता है शर्मिंदा होना पड़ता है कि अगर किसी के सामने मोबाइल यूज कर रहे हैं और गलत न्यूड फोटोज वगैरह आ जाए। तो आप इस पेज को यहाँ से हटाना चाहते हो तो सिंपली आपको होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके रखना है। होम स्क्रीन पे टैप करने के बाद में होम सेटिंग में जाना है और यहाँ पर देखने को मिलता है गूगल डिस्कवर, तो इसको यहाँ पर डिसेबल कर दीजिएगा और बैक आना है। अब आप यहाँ से देखोगे कि गूगल डिस्कवर हट चुका है, कोई भी यहाँ पर आपके सामने ऐसा पेज देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ से बहुत सारे ऐप्स मिलते हैं, तो इनको तो आप बिना काम के जो ऐप्स है उनको जाकर यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हो सिंपली। लेकिन इनके अलावा यहाँ पर दो ऐप्स ऐसे देखने को मिलते हैं, हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे दोस्तों। अगर इनको हटाना चाहते हो, भीड़ कम करना चाहते हो जैसे यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए भी सिंपली हॉट ऐप्स की तरह इस तरीके से होम स्क्रीन पे टैप करके रखना है और होम सेटिंग में जाना है और फिर यहाँ पर देखने को मिलता है आपको इस तरीके से नीचे आने पर हॉट ऐप्स एंड हॉट गेम्स, इसको डिसेबल कर देना है। अब आप यहाँ से देखोगे कि आपके सामने ये दोनों ऐप्स हट चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से सेटिंग में लेकर चलता हूँ, सेम ही आपको शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर देखने को मिलता है क्विक एक्शन, ये क्या काम करता है मैं बता देता हूँ आपको। ये पहले से ऑन हो रखा है या फिर नहीं है तो इसको ऑन कर देना है। अभी ये हो रखा है टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, जैसे कि हम यहाँ पर लॉक कर रखे हैं स्मार्टफोन को और इमरजेंसी में है जो हमें फ्लैश लाइट को ऑन करना है, तो यहाँ पर ये जो वॉल्यूम का कम वाला बटन है, डाउन बटन है, इसको प्रेस करके रखना है और आपके स्मार्टफोन में फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। तो इसकी जगह आप यहाँ से दूसरी चीज को भी सेट कर सकते हो। इसके लिए सिंपली आपको वहीं पर जाना है शॉर्टकट एंड एसिबिलिटी के अंदर
और क्यू की एक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन कैमरा, अगर यहाँ पर ये जो भी सेट करोगे तो आप इसको प्रेस करके रखोगे तो सिंपली डायरेक्ट लॉक स्क्रीन से वहां पहुंच जाओगे। तो मैं जैसे रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ दोस्तों, जैसे मेरा स्मार्टफोन लॉक हो रखा है और मुझे किसी की रिकॉर्डिंग करनी है, वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है, जासूसी करनी है, तो आप उसके सामने तो भाई खड़े हो और इमरजेंसी में करनी पड़ गई आपको, तो वहां पर लॉक स्क्रीन ऑन करके इस तरीके से करोगे तो अगले को पता चल जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ पर इस बटन को दबा कर रखोगे, अगर आपने रिकॉर्डिंग ऑडियो कर रखा है तो आपके स्मार्टफोन में रिकॉर्डिंग ऑडियो ऑन हो जाएगी और अगले को भी नहीं पता चलेगा भाई। फिर अगर आप स्मार्टफोन को अनलॉक करोगे तो जैसे मैं अनलॉक करके दिखाता हूँ और मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन हो रखी है और लॉक स्क्रीन के अंदर भी रिकॉर्डिंग चालू है। तो दोस्तों ये थी Vivo T1 की मजेदार ट्रिक्स। अगर आपको इस मोबाइल को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।